हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईएमई टेक्नोलॉजीज। मैं निखिल सिंगला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंस्टॉलेशन पे, कि हम सिस्को के जो प्रोडक्ट है सिस्को पैकेट ट्रेसर, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। तो जी, हमारे पास जो है वो सिस्को का एक पैकेट ट्रेसर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर 7T1 64 बिट। आप सिस्को की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स इजीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और आपने क्या करना है, इसके सेटअप को डबल क्लिक करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे आपकी विंडो का आर्किटेक्चर है, आप उसी तरीके से उस विंडो उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। अगर आपका 32 बिट आर्किटेक्चर है तो आप 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा, अगर आपका 64 बिट है तो आप 64 बिट डाउनलोड कीजिएगा। तो हमारे पास सेटअप जो है वो शुरू हो गया है। तो हियर इज द वेलकम मोड, आपका एक वेलकम मोड आता है। देन नेक्स्ट आप एग्रीमेंट साइन करते हैं सिस्को के साथ कि आप ये सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन या पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। देन आपकी डायरेक्टरी आती है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कौन सी डायरेक्टरी में सेव करना है। देन वट इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, कौन सा आएगा। सेकेंड आती है जी आपके पास ऑप्शन कि आप डेस्कटॉप पे आइकन बनाना चाहते हो, क्विक लॉन्च में बनाना चाहते हो। तो हियर इज माई ऑप्शन कि मैं डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहता हूँ ताकि डेस्कटॉप पे हो और इजिली मैं उसे यूज कर सकूँ। सेकेंड द रेडी टू इंस्टॉल। अब जो है मेरा प्रोसेस शुरू होगा कि मैं किस तरह जो सिस्को पैकेट ट्रेसर वो इंस्टॉल होगा और मेरे पास उसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो जो सिस्को ने ये प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किया था कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, खुद स्टडी करना चाहते हैं, खुद मटेरियल सर्च करके उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये एक पैकेट ट्रेसर है जो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेडिकेटेड है नेटवर्किंग में। एंड सिस्को प्रोवाइड दीज थिंग्स कि आप सिस्को के प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और इन द फ्यूचर अगर आप इस प्रोडक्ट में एक्सलेंट हो जाते हैं या फिर माहिर हो जाते हैं तो सिस्को विल गिव यू अ बेटर जॉब बिकॉज यू हैव अ ग्रेट नॉलेज इन दिस सॉफ्टवेयर। थोड़ा समय लगेगा इंस्टॉलेशन में। सिस्को इज़ अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्टिफाइड भी करवाती है और आपको एजुकेशन भी देती है, आपकी जॉब की भी गारंटी देती है। सो हियर हमारा जो सेटअप ऑलमोस्ट हो गया है और डन। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये कह रहा है कि फॉर द सिस्को पैकेट स्किल्स बेस्ड असेसमेंट यानी कि PTSBA टू यूज दिस वर्जन पैकेट ट्रेसर प्लीज क्लोज ऑल द वेब ब्राउज़र एंड यू नीड टू रीस्टार्ट। अब जो मेरा प्रोसेस है वो पीसी को रीस्टार्ट करने का है। सो हमने फिनिश किया। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पीसी है वो रीस्टार्ट हो गया है। तो अब हमारे पास जो सिस्को का पैकेट है वो इंस्टॉल्ड है। हियर इज द आइकन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्को का आइकन है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से मेरे पास एक ऑप्शन खुलेगी जिसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूजर नेम और आईडी होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी अभी पीसी जो है वो रीस्टार्ट हुआ है, सो इट विल टेक सम टाइम। हमारे पास जो है वो सिस्को का पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, netacad.com लॉगिन। सिस्को की एजुकेशनल वेबसाइट है netacad.com जिसपे आप ऑनलाइन अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। तो मेरे पास यूजर नेम है और उसका पासवर्ड है, सो आई एम गोइंग टू लॉग ऑन। ऐसे लॉग ऑन करने जा रहा हूँ। दिस इज माई यूजर नेम and this is my password
सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग ऑन, तो मेरा जो यूजर नेम है लॉग इन है वो मेरा एक्सेप्ट हो गया है, एंड इन दिस टाइम जो मेरा पैकेट रिसीवर वर्किंग में आ गया है, वर्किंग में आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको मैक्सिमाइज किया. आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल यूजेस है. तो मैं ऊपर से शुरू करूंगा, दिस इज द न्यू फाइल. आप नई फाइल, नया फोल्डर या नई स्क्रीन यूज करना चाहते हो, आप उसे सेव करना चाहते हो, आप उसे ओपन करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट को, या फिर आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हो. हियर इज द ऑप्शन ऑफ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एंड देयर इज अ कलर ऑफ कॉम्बिनेशन जो आप उसे यूज कर सकते हैं. नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कि आप नेटवर्क डिवाइसेस कौन से यूज करना चाहते हो. हियर इज द ऑप्शन, ये आपके पास एक प्राइमरी ऑप्शन है. इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे सब ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगी. मैंने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया तो वहां पे मेरे पास रूटर्स आ गए, स्विचेस आ गए, हब्स आ गई, वायरलेस डिवाइसेस आ गए, ASA फायरवॉल आ गई और आपके पास क्लाउड आ गई. हियर इज द सेकंड ऑप्शन, मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ. ये मेरा एक पैकेट ट्रेसर है जी. पैकेट ट्रेसर में मैंने एक वर्चुअल एक रूटर लिया और एक वर्चुअल मैंने L2 स्विच ले लिया. मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि L2 और L3 में क्या डिफरेंस होता है. L2 जो होता है वो मैक एड्रेस सपोर्टेबल है, उसकी कम्युनिकेशन मैक एड्रेस के थ्रू होती है. जो L3 होता है उसकी कम्युनिकेशन IP बेस्ड होती है. एंड सेकेंड, आपके पास यहाँ पे आते हैं होस्ट एंड डिवाइसेस कौन से होते हैं. आप होस्ट लेना चाहते हो, होस्ट यूज कर सकते हो. आप घर में कोई मॉडम या अप्लायंसेस यूज कर सकते हो. एक चीज ध्यान रखिएगा, सिस्को का जो अब का लेटेस्ट वर्जन है वो IoT को सपोर्ट करता है, इंटरनेट ओवर थिंग्स पे. हियर इज एग्जांपल. अब मेरे पास देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं. मैं चाहता हूँ कि मेरी बैटरी खुद ब खुद चार्ज होने शुरू हो जाए, तो मेरे पास बैटरी दिखाई है, मीन्स इनकी तरफ से ये बैटरी लो है. व्हेन आई कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट तो वो चीज अपडेट होनी शुरू हो जाएगी. एंड मैं एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ. लाइक मेरे पास ये डोर है, आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली डोर सिस्टम आते हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ऑटोमेटिकल डोर सिस्टम होते हैं, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं. घरों में आजकल इलेक्ट्रिक और IoT थ्रू डोर्स जो है इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए हैं. एंड हियर इज द कनेक्शन, दीज आर द वायर्स. ये वर्चुअल वायर्स हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लेके चलता हूँ कि मेरी ऑटोमेटिक वायर इसके साथ कनेक्टेड है. मैंने स्विच पे कनेक्ट किया और उसके रूटर पे इंटरफेस पे कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली. फिर से मैंने ऑटोमेटिकली चूज किया, स्विच पे गया, देन देयर इज द होस्ट. अनदर आई परचेज्ड अ वायर एंड देयर इज अ स्विच एंड आई कनेक्टेड थ्रू दिस. अनदर आई चूज दिस टू दिस. तो मेरी जो चारों चीजें हैं वो स्विच के साथ कनेक्टेड हो गई हैं. और ये एक छोटा सा सैंपल है जी आपके IoTs का और आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर्स का. एंड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर डिजाइन अलग हो या फिर आप उसे कम्प्लीटली डिफर करना चाहते हैं तो आप इन कलर सिंबल्स का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने चूज करना है सिलेक्ट द आउटलाइनर्स. हियर इज द आउटलाइन. ओके, यू वांट टू फिल द कलर. कौन सा कलर आपने चूज करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपका कलर है. ओके, और आपने कौन सी शेप चूज करनी है. अगर आपने ये शेप चूज करनी है तो चूज करने का आप यहां से इसको एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सेकंड, आपने नाम देना है या आप पर्टिकुलरली एरिया बताना चाहते हैं. जैसे मेरा ये एरिया है, ये मैं एरिया कह सकता हूँ, मेरा दिल्ली का एरिया है और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के किसी ऑफिस में ये वीडियो, ये मेरी बैटरी लगी हुई है जो चार्ज हो रही है. तो इस तरह से आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फिर आपके पास ऑप्शन आती है क्लस्टर बनाने की. क्लस्टर मीन्स देयर इज अ क्लाउड. मेरे पास एक क्लाउड है, क्लाउड को मैंने यहां से यूज किया और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक क्लस्टर. अब क्लस्टर का मीनिंग एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लस्टर का मीनिंग ये होता है कि क्लाउड के अंदर कितने रूट, कितने स्विच हैं आप नहीं जानते और आपका नेटवर्क कितने रिमोट नेटवर्क से होके गुजर रहा है वो आप नहीं जानते. बट जब आप पिंग करते हैं, पिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि पिंग का रिप्लाई आ रहा है या नहीं. मीन्स अगर आप दिल्ली से बॉम्बे पिंग करोगे किसी IP को, अगर वो पिंग ओपन है तो आप कितने रूटर, कितने स्विचेस से जा रहे हो वो वर्चुअली होता है, यू कैनॉट सी. बट उसके अंदर जो इंप्लीमेंटेशंस होती हैं वो प्रोटोकॉल्स होती हैं या फिर सिस्को के डिवाइसेस होते हैं या अनदर कंपनी के डिवाइसेस होते हैं. सो ये एक छोटा सा डेमो था सिस्को पैकेट ट्रेसर का. आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी. प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि हमें इस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या थोड़ा और डिस्क्राइब करना चाहिए, प्लीज़ हमें अपने व्यूज़ दीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.